अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे, श्री महामति कहे ऐसा थ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त, लाल आगे आए बैठे इन तख्त। मैं जन्म भर को छोड़िया ए चारो वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्राप्त, पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद, एह आया यो साथ में, अक्षरा तीर्थ धाम दिनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से आवासी बंदर के वितक का वर्णन कर रहे हैं। आवासी बंदर में तीसरे दिन ही भैरव सेठ को राज्य का दर्शन हो जाता है। इसका विशेष कारण है, प्राय देखा जाता है कि लोग घर द्वार छोड़कर महात्मा तो बन जाते हैं, लेकिन आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति उनमें वैसी नहीं होती जितनी तीक्ष्ण प्रवृत्ति एक बुरे व्यक्ति में होती है। जब किसी बुरे व्यक्ति को ठोकर लगती है कि मैंने इतना पाप किया, तो सच्चे हृदय से उस पर विचार करता है कि नहीं, यदि मैंने पाप किया तो मुझे इस पाप को तुरंत छोड़ देना है। नीति का कथन है, एकाके चिंत्यमाना परम श्रेयम अधिगच्छति, अकेले में सोचने वाला श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान का महाराज बन गया, गद्दीपति बन गया, हजारों लोग प्रतिदिन उनके पैर छूते हैं, वो अपने अनुयायियों से पूछेगा कि मेरे में क्या गलती है, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन कहने जाएगा कि महाराज जी आप गलती करते हैं। वो गलत भी कर देंगे तो कई लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले खड़े हो जाएंगे कि ना जो आपने किया है बिल्कुल सही किया है। और यदि उनमें आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति नहीं हुई तो अपनी गलतियों को वो गलतियों से वो सिखापा नहीं ले सकते। लेकिन जब एक बुरा व्यक्ति, कोई शराबी हो, कबाबी हो, गलत राह पर चलने वाला हो, जब उसको विवेक होता है कि मैंने सचमुच गलती की है, तो सच्चे हृदय से जुड़ जाता है। वाल्मीकि ने सोचा कि जब मेरे किए हुए पाप को घर वाले भोगने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इनके लिए पाप क्यों करूं, मैं इतना खून बहाया हूं, अब मैं नहीं करूंगा। अंगुलिमाल को जो प्रायश्चित होता है, वही अंगुलिमाल जो 999 व्यक्तियों की हत्या कर चुका था और अपनी माँ को भी कहा कि यदि देखो शाम तक कोई नहीं मिलता है तो तुम्हारी गर्दन काटूंगा, 999 व्यक्तियों की हत्या करके उनकी अंगुलियों की माला बना करके वो गले में पहना हुआ था, केवल इसलिए कि मुझे सिद्धि मिल जाए। लेकिन बुद्ध जैसा पथ प्रदर्शक उसको मिलता है, उसको प्रायश्चित होता है कि मैं सचमुच पाप कर रहा हूँ, वो अंगुलिमाल बुद्ध के चरणों में झुक जाता है हमेशा हमेशा के लिए। एक ऐसी घटना है, अमीचंद नाम के एक व्यक्ति थे, एक बार ऋषि दयानंद सभा में प्रवचन कर रहे थे, आए बहुत अच्छा भजन गाए, दयानंद जी मस्ती में झूमने लगे, कहा कि अमीचंद
हो तो तुम हीरा, लेकिन कीचड़ में फंस गए हो। उसको इतनी सी बात की ठोकर लगी, क्या मैं हीरा हूँ और कीचड़ में फंस गया हूँ? उसमें सारे ऐब थे, शराबी था, कबाबी था, वेश्यागामी था, लेकिन एक क्षण में उसने सारी बुराई को ठोकर मार दिया। लेकिन कोई महात्मा है, कोई धर्म के पथ पर चलने वाला है, उसको ठोकर लगनी कठिन होती है। यदि लग गई या उसने आत्मचिंतन कर लिया, किसी भी व्यक्ति ने एक अकेले में कि मुझे ये बुराई नहीं करनी है, तो उसी दिन छोड़ देगा। जब भी मनुष्य गलत कार्य करने जाता है, हृदय से आवाज़ आती है कि नहीं, ये कार्य तुम्हें नहीं करना है। लेकिन बुरे संस्कार जब हावी होते हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ को वो अनसुना कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति बन जाती है अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करने की। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो पहले बार उसका हाथ कांपेगा, लेकिन पीते पीते वो इतना बेशर्म हो जाएगा कि उसको लज्जा शर्म भी नहीं लगेगी। चोरी करने के लिए जब व्यक्ति पहली बार जाएगा उसको भय लगेगा, धीरे धीरे वो ढीठ बन जाएगा, बाद में उसके अंदर से लज्जा चली जाती है। उसको समझाइए तो भी वो छोड़ना नहीं चाहेगा। यही कारण है कि हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। एकांत में बैठकर रात्रि को सोने से पहले हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मैंने आज कोई पाप तो नहीं किया, मन वाणी कर्म से किसी का हृदय तो नहीं दिखाया, किसी का अनुचित धन तो नहीं लिया, कोई अभक्ष्य आहार तो नहीं किया, और यदि किया है तो मुझे नहीं करना है। उसके पश्चात जो हमारे अंदर कमियां हैं, हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, रात्रि को सोने से पहले ध्यान अवश्य कीजिए। यदि थका मदा शरीर हो तो भी 10 मिनट भी कीजिए, लेकिन कीजिए। यदि आपको शरीर थकान नहीं है तो आधा घंटा कीजिए, 1 घंटा कीजिए। और जो आप बनना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, संकल्प कीजिए कि राज जी की कृपा से मैं वैसा बन रहा हूँ। यह संकल्प करके सो जाइए, निश्चित है कि आपके मनोबल में वृद्धि होनी शुरू होगी, आपकी कमियाँ दूर होनी शुरू हो जाएगी और एक दिन आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए आप सोचा करते हैं। सवेरे उठकर भी यही कार्य कीजिए। किसी से बातचीत करने से पहले आप ध्यान कीजिए, ध्यान करके अपने संकल्प को दोहराइए। जब तक आपका संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों का कथन है, संकल्पमयो पुरुषः। व्यक्ति कैसा होता है? संकल्पमय। जैसा जो संकल्प करता है वैसा ही हो जाता है। भोग का चिंतन करने वाला भोगी होता है, योग का चिंतन करने वाला योगी होता है, परमात्मा का चिंतन करने वाला ब्रह्म स्वरूप होता जाता है। और जैसे यदि आपके अंदर संकीर्ण विचार है, आप किसी की बुराइयों को बार बार सोचा करेंगे तो बुराइयों के संस्कार आपके अंदर भी आ जाएंगे। इसलिए चिंतन किसका करना चाहिए? केवल एक परमात्मा का। हम संसार का कितना भला कर सकते हैं केवल उसके बारे में सोचिए। यदि कोई व्यक्ति केवल बुराई का ही आप चिंतन करेंगे तो बुराई के संस्कार आपको भी लिपटेंगे। कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन संभव है उसके छींटे आपको ही पड़ जाएं। इसलिए यदि किसी में बुराई है तो यह चिंतन करना चाहिए कि उसकी बुराई को हटाया कैसे जाए। यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी बुराई को लेकर हम संसार में उसको जलील कैसे करें, क्योंकि यदि किसी को आप अपमानित करके खुश होते हैं तो यदि उसका हृदय दुखी होगा तो आपको भी कभी ना कभी अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। किसी को मन वाणी से कर्म से पीड़ा देना कहीं ना कहीं पाप होता है। अब भैरव सेठ को विश्वास हो जाता है कि श्री जी हमको परमधाम का दर्शन करा देंगे, युगल स्वरूप का दर्शन करा देंगे। जब उसने छोड़ा तो सच्चे हृदय से छोड़ दिया। उसने 3 दिनों के लिए मांस के बारे में भी नहीं सोचा, शराब के बारे में भी नहीं सोचा। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया, उसने पूछा कि महात्मा जी, मैं बहुत चाहता हूँ कि पाप न करूँ, हमसे पाप हो जाता है, आप कैसे पाप से बचे रहते हैं? महात्मा जी ने कहा कि देखो, ये तो बात की बात है, तुम्हारे लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम 1 हफ्ते में मर जाने वाले हो,
इसलिए जितनी भक्ति करनी हो कर लो, नहीं तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत कष्टकारी समय आएगा। उसने सोचा कि महात्मा जी का वचन झूठा तो नहीं हो सकता। एक हफ्ते दिन रात लगा रहा। एक हफ्ते के बाद आया, मरा नहीं। महात्मा जी के पास आकर कहा कि महात्मा जी, आपका वचन तो झूठा हो गया, मैं तो जिंदा हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुमने किसी की निंदा की, कभी झूठ बोला, कोई चोरी की, किसी का अनिष्ट सोचा? कहा कि महात्मा जी, आपने कह दिया था कि मैं एक हफ्ते में मरने वाला हूँ। मैं सोचा कि इतनी उम्र तो गुजर गई, जब एक हफ्ते की जिंदगी बची है तो मैं ये क्यों पाप करने जाऊँ, करना तो दूर मैंने सोचा भी नहीं। महात्मा जी ने कहा है कि देखिए, इसी कारण जो ऊंचे महात्मा होते हैं पाप से बचे रहते हैं। उनको मालूम होता है कि ये संसार नश्वर है, शरीर तो पानी के बुलबुले के समान है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए पाप करना तो दूर, मन और वाणी से पाप का चिंतन भी नहीं करते। और जो पाप का चिंतन नहीं करेगा वो पाप करेगा ही नहीं। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है समन। समन किसको कहते हैं? मन को विषयों से या पाप करने से रोकना, और एक होता है दमन, इंद्रियों को विषयों से या पाप करने से रोकना। जिसने समन कर लिया उसको दमन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो समन नहीं जानता, दमन जबरन करता है, उसकी तृष्णा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। आप शुगर के रोगियों को देखिए, उनके जीवा की तृष्णा तो होती है कि मिठाई खाएं। डॉक्टर ने कह दिया होता है कि मिठाई खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। सबको बता बता कर कहेगा कि नहीं, मुझे चाय फीकी बनाना, लेकिन जब देखेगा कि कोई नहीं देख रहा है तो कई दिन की तृष्णा एक बार में ही छिप करके खा लेगा, पूरी कर लेगा। कोई देख नहीं रहा है इसलिए मिठाई खा लेगा। तृष्णा उसके अंदर बनी रहती है, वो ज्वालामुखी होकर के फूटती है। जलेबी बनाने वाला जलेबी की तरफ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वो दिन रात देखता रहता है, वो उससे अलग हो चुका है। लेकिन जिस जो जलेबी साल में एक बार खाता है उसको देखकर ललच जाता है, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। संख्य शास्त्र में कपिल जी कहते हैं, अनिष्ट कर्म तुस्यात् विषय चिंतनम्। विषय का चिंतन करना अनिष्टकर होता है। आप विषय का भोग करेंगे लेकिन चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन दो तरह का होता है, एक तो विषय को त्यागने का चिंतन और एक होता है विषय को भोगने का चिंतन। यदि विषय से हम निवृत्त कैसे होंगे यह सोचते हैं तो कल्याणकारी है, और विषय को हम भोगे कैसे यह महाविनाशकारी है। हमारे मनीषियों ने नियम बनाया है कि अकेले में विद्यार्थी को, ब्रह्मचारी को कभी नहीं बैठना चाहिए। अकेले बैठे तो केवल परमात्मा का ध्यान करें, नहीं तो अकेले न बैठे, या तो किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करें या सत्संग सुने, क्योंकि अकेले में बैठेगा तो बुरे विचार आ सकते हैं। हाँ, अकेले में बैठकर केवल ध्यान यदि करते हैं तब तो अच्छा है, क्योंकि अकेले में व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि मुझे कोई भी देख नहीं रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है। हृदय में जो बैठा हुआ है वो तो हमारी हर गतिविधि को देख रहा होता है, हम क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा नास्तिक वह होता है जो यह मानता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में रहने लगे, मस्जिद में, गिरजाघर में रहने लगे, गुफा में रहने लगे, आंखें बंद करके ध्यान करने लगे, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह सबसे बड़ा आस्तिक हो गया। सबसे बड़ा आस्तिक वह होता है जो यह सोचता है कि चाहे मैं पर्वतों में चला जाऊँ, गुफाओं में चला जाऊँ, समुद्र की गहराई में छिप जाऊं, कहीं भी रहूंगा, मेरे हर कार्य को कोई देखने वाला है, मेरे मन में क्या हो रहा है इसको भी कोई सोचने वाला है। और यदि कोई यह सोच ले कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, वो पाप हरगिज नहीं करेगा। वही सबसे बड़ा आस्तिक होता है, भले ही वो भगवे कपड़े पहने या न पहने, गृहस्थी रहे या कहीं भी रहे, लेकिन जो ये सोचता है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति मुझे देख रही है, वो सपने में भी मन वाणी कर्म से पाप नहीं कर सकता है। और पाप से बचने का एक ही तरीका है, हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, कहीं भी जाएं उसका फल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,
हिंदू समाज क्यों पाप करने लगा? आप देखेंगे भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ता है, हरिश्चंद्र को चंडाल के हाथों बिकना पड़ता है, पांचों पांडवों को 12 वर्ष वनवास का कष्ट झेलना पड़ता है। ये तो धर्मात्मा थे, इनको तो कष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्म करने का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, कहीं भी जाए बच नहीं सकता। पुराणों में लिख दिया गया, चाहे कितनी भी पाप करो, गंगा का जल चढ़ाओ, पाप से मुक्ति हो जाएगी। अभी इस साल भी कितने कांड हुए, कांवड़ चढ़ाने वालों ने क्या किया, किसी से जरा सी ठोकर लगी तो उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो गए, जरा सी बात होती है उत्पात मचा देते हैं, क्योंकि ये तो ये सोचते हैं कि हम कितने भी पाप कर लें, गंगा जी का जल लगाकर शंकर जी लाकर शंकर जी पर चढ़ा देंगे, हमारे पाप दूर हो जाएंगे। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी से बहुत बड़ी भूल हो गई, उन्होंने कह दिया करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं यदि आप गंगा जल ला करके रामेश्वरम पर चढ़ा देते हैं, तो फिर डरने की क्या जरूरत, पाप कीजिए और फिर जा करके चारों धाम की यात्रा कराइए, किसी को भोजन करा दीजिए, कुछ जप कर लीजिए तो पाप कट जाता है। पाप कटता नहीं है, मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए, और प्रायश्चित अंतरात्मा की पुकार पर किया जाता है। हम सोचे कि हमने पाप किया है, यह बहुत गलत हुआ है, भविष्य में हमें पाप नहीं करना है। जैसे भैरव सेठ ने संकल्प लिया, उसी क्षण अपने सारे शराब के बर्तनों को तोड़ दिया, नशे की वस्तुओं को फेंक दिया कि मुझे नहीं करना है। चाहे पत्नी कितने भी झगड़ती रहे, परिवार के लोग कितने भी झगड़ते रहे, दृढ़ संकल्प किया कि मुझे ये पाप कर्म है, श्री जी का आदेश है कि नहीं छूना है तो नहीं छूना है। जिसका यह दृढ़ संकल्प हो जाता है वो तो पाप की नदी से पार हो जाता है, और जिसका मनोबल कमजोर होता है वो फंस जाता है। पाप से बचने के लिए तीन चीजें हैं, एक तो हर पल ये साक्षी मानना कि सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान राजी हमारे हर कार्य को देख रहे हैं, कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम। किसी मनुष्य की प्रतीक्षा मत कीजिए कि कोई इंसान देख रहा है कि नहीं, हमें देख रहा है। दूसरी चीज दृढ़ मनोबल, यदि आपने दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये काम बुरा है तो मुझे स्वप्न में भी नहीं करना है, और तीसरी जब सब कुछ थक जाए, आपका दृढ़ संकल्प भी हार जाए, आपका विवेक भी नष्ट हो जाए, यानी घोर घने जंगल में हैं, कुछ ऐसा पाप की पाप का काम आ पड़ा, अब सोच रहे हैं कि कौन यहाँ देख रहा है, लेकिन अंदर से विवेक कहता है कि परमात्मा तो देख रहे हैं, आप मन कहता है कि नहीं एक बार कर लेते हैं, कौन देख रहा है। जब ये भी आपका हार जाए तो शरणागत हो जाना कि प्रीतम अक्षरातीत मेरी आत्मा आपके प्रति समर्पित है, केवल आप ही बचा सकते हैं। जब यदि आप सच्चे हृदय से राजी पर समर्पित हो जाएंगे तो पाप से आप अवश्य बच जाएंगे। तीन चीजें, लेकिन इनमें यदि आपने चतुराई दिखाई, कौन देख रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं एक पार कर लूं, उसको कोई नहीं बचा सकता, समर्पण है नहीं, राज्य पर विश्वास है नहीं, राज्य पर ध्यान की भक्ति की प्रबलता है नहीं, तो क्या होगा? जो प्रतिदिन अपने हृदय में ध्यान करता है, यदि वो पाप करना चाहेगा भी तो पाप उससे हो नहीं पाएगा, पैर अवश्य फिसलेगा लेकिन राज्य उसको गिरने नहीं देंगे। यदि वो सच्चे हृदय से राज्य को पुकारता हो कि राज्य मुझे हर पाप से बचाए रखना, राज्य की जिम्मेदारी होती है और वो बचाए रखते हैं। लेकिन यदि आप कितने भी तपस्वी हैं, कितने भी आपने साधना की है, यदि आपका अहंग है कि मेरे जैसा कोई निर्मल नहीं है, तो एक दिन पांव अवश्य फिसलेगा और आप पाप के कीचड़ में अवश्य फंस जाएंगे। तीन चीजें मैंने कही, पहला है दृढ़ संकल्प, दूसरा है अक्षरातीत की सर्व दृष्टि का भाव रखना कि राजी हमको देख रहे हैं, और तीसरा है सर्वस्व समर्पण कि राजी मेरे अंदर शक्ति नहीं है, आप ही मुझे बचाइए।
भैरव सेठ के पास ये तीनों था। राजी पर सर्वस्व समर्पण कर दिया कि आपने कहा कि तमाकू छोड़ दो, शराब मांस छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। सच्चे हृदय से समर्पण किया कि राजी आप मुझे दिखा दीजिए, मैंने तो छोड़ा है। और विवेक जागृत हो गया कि नहीं, ये मैं गलत कार्य करता रहा हूँ। इन तीनों का फल उसको मिला। लोग कई कई साल चितौनी करते गुजार देते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है, दर्शन नहीं होते, और भैरव सेठ को केवल तीसरे दिन दर्शन हुआ। हमें भी हो सकता है, यदि हम भैरव सेठ की तरह हम भी सच्चे हृदय से कुछ भी करें। गीता में एक बात कही गई है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। मनुष्य एक बात है, विषयों का सेवन न करें इंद्रियों से, लेकिन मन से उसका चिंतन करें, तो इसको क्या कहते हैं? मिथ्याचार। जैसे आप मिठाई खा नहीं रहे हैं, लेकिन उठते बैठते आप मिठाई के बारे में सोच रहे हैं। आपकी जीवा रस नहीं ले रही है, लेकिन मन तो रस ले रहा है। और जैसे जैसे ये मन रस लेता रहेगा, उसके संस्कार प्रबल होते जाएंगे, और एक दिन इतने प्रबल हो जाएंगे कि आप विवश हो जाएंगे खाने के लिए। इसलिए मन से विषय का चिंतन करने की अपेक्षा विषय का सेवन कर लेना कम खतरनाक है। जो विषयों का चिंतन करता है, एक न एक दिन विषयों की खाई में अवश्य गिरेगा। यही कारण है कि जो भी मनीषी होते हैं, उनके लिए एक नियम है, उठते बैठते सोते जागते दम न छोड़े मासुक को जाके असल हक निस्बत। हम अपनी आत्मा की डोर राज्य के चरणों से बांधे रखें, केवल राज्य के प्रेम में डूबे रहें। राज्य का प्रेम हमें माया से कोसों दूर रखेगा। इसलिए तो इंद्रावती जी कहती हैं, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जगयानी के। जब आत्मा जागृत हो जाएगी राज्य की वाणी का प्रकाश लेकर, ईमान लेकर, प्रेम लेकर, तो माया भाग जाती है। लेकिन यदि हमने ऐसा नहीं किया तो माया तो हमारे चारों तरफ काल रात्रि के समान मंडराती रहती है, हमारे हर कदम को गिराने का प्रयास करती है। ये घटना सुंदर साथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कितना भी ज्ञान का प्रकाश संसार में हो, यदि ये तीन चीज़ें आत्मसात नहीं होती हैं तो हम भटकते जाते हैं। स्वयं महामती जी को कहना पड़ा, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विखे रसला, पाँव पकड़ कहें इंद्रावती उठ खड़े रहे हो जाग। तुम स्याने हो, चतुर हो, मैं इंद्रावती की आत्मा आपके पाँव पकड़ के कहती हूँ कि मेरे कहने से भी नहीं समझ में बात आ रही है, जिन रहो विखे रसला, विषयों के रस में मत भूलिए। क्योंकि ये विषय क्या है? 84 लाख युनि में भटकाएंगे। विषय कविस्तर जब डसे, तब नाम जड़ी को चबा, है नाग दमनी औषधि, खोजन दूर न जा। प्रीतम का प्रेम अपने हृदय में बसा लीजिए, फिर विषय की कामना नहीं होगी। लेकिन यदि प्रीतम से प्रेम नहीं हुआ तो संसार आपको खींचेगा, आंखें सुंदर रूप देकर के मुग्ध हो जाएंगी। और इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन कौन कर रहा है? मन। मन को जो चीज़ अच्छी लगती है हम भागते फिरते हैं, मन को तो कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। जीवा अच्छे अच्छे पदार्थों का भोजन करना चाहेगी, त्वचा कोमल स्पर्श चाहेगी, नासिका सुगंध चाहेगी, कान मधुर ध्वनि चाहेंगे। इन पांच इंद्रियों के सुखों में ही सारा संसार का सुख है, और कोई सुख नहीं है। और सुख भी है तो क्षणिक है, लेकिन सारी सृष्टि इन्हीं के पीछे भागी जा रही है। आप यूरोप के अंदर जाइए, वहाँ का जीवन क्या है? भौतिक सुख बहुत है, धन संपदा बहुत है, कहीं धूल धक्कड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन अधिकतर लोग नास्तिक हैं। रूप रंग खूबसूरत है, हृदय में पवित्रता नहीं है, संवेदना नहीं है, कोई किसी के दुख में भागी नहीं है। सवेरे का जलपान होता है चिकन से बियर से, दोपहर को गाय का मांस या चिकन और बियर, रात को भी वही खाना पीना सोना, बस पशुओं का जीवन है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस विषय का चिंतन वहाँ नहीं है।
हाँ सड़कें चमचमाती हुई दिखेंगी, अच्छे अच्छे भवन दिखेंगे, इतना अनाज पैदा होता है कि समुद्र में फेंकना पड़ता है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन सब सुख क्या है? भौतिक सुख, जीवा का सुख है, त्वचा का सुख है, आँखों का सुख है, और सुख भी क्षणिक। इनके पीछे दुनिया भागी जा रही है। भारत के लोग भी अपने आध्यात्मिक सुख को खो बैठे हैं। वो किसके पीछे भाग रहे हैं? भौतिक सुखों के पीछे। पेरिस का एक नवयुवक 19 साल का था, मुझसे मसूरी में मिला था, गर्मी का मौसम था, मैं भी सवा महीने के लिए गया हुआ था मसूरी। मेरे कमरे में आकर के कुछ घंटे ठहरा रहा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें भारत में आकर कैसा लगता है, तो वो हंसने लगा, कहा कि जब मैं भारत किसी भारतीय को अपने देश पेरिस में आते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि मैं तो शांति के लिए भारत की गली गली में भटक रहा हूँ और यह भारत के लोग हमारे देश आते हैं केवल पैसे के लिए। जिनको छोड़ करके मैं आया हूँ यहाँ के लोग उसके लिए तरसते हैं, हम तरसते हैं आध्यात्मिक शांति के लिए, और भारत की नई पीढ़ी तरस रही है पैसे के लिए। यही उसको अजूबा लगा था। वैसे ही आत्मिक आनंद आत्मा के अंदर है। अनंत आनंद कहाँ है? आत्मा में। संसार में क्या आनंद नहीं है? संसार में भौतिक सुख है, इंद्रियों का सुख क्षणिक। आप किसी कोमल स्पर्श को कीजिए, थोड़ी देर के लिए सुख होगा। विषय की तृष्णा का आकलन आप क्या कर सकते हैं? इतिहास के पन्ने को आप पलटोगे तो ये देखने को मिल जाएगा। पृथ्वीराज और जयचंद मौसेरे भाई हैं, और देखा जाए तो जयचंद की पुत्री भारतीय संस्कृति में तो पुत्री के समान ही लगती है, लेकिन दोनों में गहरा घनिष्ठ लगाव था। संयोगता से विवाह करने के लिए पृथ्वीराज ने अपहरण किया, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं और दो दो कदम पर तलवारें चली, दोनों ओर के बड़े बड़े सेनाएं मारे गए, जिसका परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद गोरी के आक्रमण को पृथ्वीराज झेल नहीं सके। एक सुख तृष्णा तो थी संसारिक सुख का, यही वह भारत है जिसमें जब मेघनाथ का वध हुआ, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना आती है, कहती है कि मैं उस वीर को देखना चाहती हूँ, उस बाण को देखना चाहती हूँ जिस बाण से मेरे पति को मारा गया, और उस वीर को भी मैं देखना चाहती हूँ। राम की सेना में आकर के बोलती है। राम ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कि लक्ष्मण वो बाण दिखा दो। लक्ष्मण आए तो सुलोचना कहती है कि मैंने समझ लिया कि वह कौन है। राम ने कहा कि तुमने तो परिचय पूछा नहीं कि किसने मारा है। सुलोचना कहती है कि लक्ष्मण जी की दृष्टि को देखकर ही मैं समझ गई कि यही व्यक्ति हो सकता है जो मेरे वीर पति की मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि लक्ष्मण ने कभी मेरे चेहरे की तरफ दृष्टि ही नहीं उठाई, और मैं समझ गई कि इसी में इतनी शक्ति हो सकती है जो मेघनाथ जैसे महान वीर का वध करे। उसी वंश का तो पृथ्वीराज था जिसने अपने मौसेरे भाई की पुत्री से विवाह किया, और परिणाम यह हुआ कि देश गुलाम हुआ। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि हम संसारिक विषयों में सुख चाहते हैं तो हमें सुख नहीं मिलेगा, एक तृष्णा मिलेगी, और वह तृष्णा सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जाती है। जितना भोगेंगे उतना ही तृष्णा बलवती होती जाएगी। जिस इंद्रिय के स्वाद के पीछे हम भागेंगे उसके संस्कार दृढ़ होता जाएगा, और वह संस्कार कटेगा केवल ध्यान से। संसार में अरबों लोग रहते हैं, उनकी तृष्णा कितनी है? मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, विषय भोगों में लिप्त हो रहे हैं, फिर भी तृष्णा बुढ़ापे तक उनका पीछा नहीं छोड़ती, मरने के समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन ऐसा भी तो कोई चक्रवर्ती सम्राट भी होता है, अरबोपति भी होता है, जो संसार के सुखों को छोड़कर परमात्मा के प्रेम में वन में चला जाता है, झोपड़ी बनाकर रहने लगता है, भिक्षा मांग करके भोजन करने लगता है, लेकिन सारी दुनिया की दौलत को लात मार देता है।
ये कब होता है? विवेक से. भैरव सेठ का यह प्रसंग यदि हम आत्मसात कर लें तो हमारे जीवन की धारा बदल सकती है. कि सच्चा सुख कहाँ है? राज्य के चरणों में. सच्चा प्रेम कहाँ है? राज्य के चरणों में. शाश्वत आनंद, शाश्वत शांति, शाश्वत प्रेम केवल परब्रह्म के चरणों में मिल सकता है, संसार में नहीं. संसार में तो ऐसी तृष्णा है, संसार के सारे प्राणी चींटी से लेकर हाथी तक भागे जा रहे हैं, ऋषि मुनि देवी देवता भी भागे जा रहे हैं कहीं ना कहीं. लेकिन जब तक प्रीतम परब्रह्म से मिलन नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, किसी को भी न शाश्वत शांति मिलेगी, न प्रेम मिलेगा, न आनंद मिलेगा. अब भैरव सेठ जैसे ही तारतम लेते हैं, पूरे आवासीय बंदर में शोर मच जाता है, क्योंकि नगर के प्रमुख सेठ थे. और जब बड़ा व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो उसकी चर्चा सब जगह होती है. किसी प्रसिद्ध मंदिर में लाखों लोग जाते हैं, प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं. आप जानते हैं तिरुपति मंदिर में कई कई किलोमीटर की लाइन लगानी पड़ती है दर्शन के लिए सामान्य लोगों को. जिनके पास अधिक पैसा होता है वो तो वीआईपी मार्ग से चले जाते हैं, सामान्य गरीब को तो लाइन लगना पड़ता है कई कई किलोमीटर तक. उनका पेपर में कभी जिक्र नहीं होगा, चैनलों पर कभी जिक्र नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं तो सारे चैनल, सारे समाचार पत्रों में छप जाता है कि प्रधानमंत्री तिरुपति मंदिर में दर्शन के लिए गए. उसी तरह से भैरव सेठ नगर के प्रमुख सेठ थे. जैसे ही उन्होंने तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया, पूरे नगर में शोर फैल गया और परिणाम यह हुआ पूरा नगर उमड़ उमड़ कर आने लगा. जब जो हिंदुस्तान के लोग आवासी बंदर में बस गए थे, व्यापार करने लगे थे या कुछ जो भी कुछ कार्य करने लगे थे, उनकी पत्नियां आने लगी थी, दिन रात वहाँ चर्चा चलती थी. भड़सारी जात के व्यापारियों का एक समूह था वहाँ आवासी बंदर में. और जब उन्होंने देखा कि हमारे घरों की सारी महिलाएं चर्चा सुनने जाती हैं तो वो लोग बहुत नाराज हुए. वो सब इकट्ठे होकर भैरव सेठ के पास आए कि देखिए आपके यहाँ कथा क्या होती है, हमारा तो जीवन ही दुर्भर हो गया. सवेरे सवेरे हमें दुकान पर जाना होता, उस समय भी हमें ताज़ा भोजन नहीं मिलता क्योंकि हमारी जितनी पत्रियाँ हैं सब भोजन बना करके पहले निकल आती. शाम को हम घर आते हैं तो शाम के यहाँ भी आपके पास यहाँ चर्चा होती है, शाम को भी ठंडे ठंडे सब खाना पड़ता है, ये कैसे चलेगा, आप ये कार्यक्रम बंद करवा दीजिए. भैरव सेठ कहते हैं कि मैं किसी को स्वार्थवश तो नहीं बुला रहा हूँ, तुम्हारी पत्नियाँ यहाँ आती हैं अपने आत्मकल्याण के लिए आती हैं, तुम उनको रोक सकते हो. मेरे घर चर्चा हो रही है तो मेरे घर क्या हो रहा है इसको रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं. निराश होकर के वे चले जाते हैं. उन्होंने सोचा कि इनकी सबकी नेत्री कौन है, नेता कौन है, अग्रगण्य कौन है. उन्होंने देखा कि तेज भाई बुढ़िया जो है उसी के नेतृत्व में सारी की सारी जाती है, क्योंकि आवासीय बंदर में बहुत से लोग तारतम ग्रहण कर चुके थे, अपनी आत्मा का संबंध उस सर्वशक्तिमान अक्षरातीत से जोड़ चुके थे. श्री जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा का रस प्रवाहित हो रहा है. अब जब उनकी पत्नियों से वो रोकते हैं, वो मानती तो थी नहीं. सबने सोचा कि इस तेज भाई बुढ़िया को हम मना लेते हैं तो फिर ये रुक जाएंगे. कहने लगे कि माता जी आप वहाँ चर्चा सुनने जाना बंद कर दीजिए. वो झल्ला पड़ी बूढ़ी माता तेज भाई कि देखो हमारा यौवन तो घर गृहस्थी में चक्की चलाते हुए बीत गया, मेरा बुढ़ापे का समय है. तुम कहते हो कि मैं एक कथा सुनने न जाऊं, ये कैसे संभव है? तुम्हारी जो पत्नियां हैं उनको तुम रोको, तुम्हारा काम है. मैं तो उनको बुलाती नहीं हूं कि मेरे साथ चलो. यदि मैं बुढ़ापे में आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा न सुनूं तो और क्या करूं? मेरी उम्र में अब कितने दिन बचे हैं, इसलिए तुम्हारी बात मैं किसी भी तरह सुनने के लिए तैयार नहीं हूं. मैं जाऊंगी, पहले तो इस देश में कोई आता नहीं,
अब स्वयं अक्षरातीत के चरण कमल आए हैं और उनके मुख से होने वाली चर्चा को तुम्हारे दबाव में मैं क्यों छोड़ दूं? एक पौराणिक घटनाक्रम है कि एक तरफ करोड़ों यज्ञों का फल हो और एक तरफ सत्संग का फल हो, तो सत्संग का फल अधिक श्रेयस्कर होता है। इसका भाव क्या है? यज्ञ कई तरह के होते हैं। अग्निकुंड में आहुति दी जाती है तो उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं, प्राणायाम करते हैं तो मानसिक यज्ञ है, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो वो बौद्धिक यज्ञ है, परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आध्यात्मिक यज्ञ है। आध्यात्मिक यज्ञ यानी आत्मा रूपी हवि को परमात्मा के प्रेम रूपी हवन कुंड में डालना, परमात्मा के प्रेम रूपी अग्नि में आत्मा की हविष डालना, यह आध्यात्मिक यज्ञ है। यानी समाधि लगाना, ध्यान लगाना, यह आध्यात्मिक यज्ञ है। लेकिन जब द्रव्य यज्ञों का प्रचार होने लगा, ज्ञान चर्चा कम हो गई, तो यह बात मनुष्यों ने कही है कि यदि अग्निकुंड में मंत्र बोलकर केवल आहुति आप डालते हो लेकिन सत्संग पता नहीं। सत्संग का तात्पर्य क्या होता है? सत्य की संगत। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है, परमात्मा का ज्ञान सत्य है और परमात्मा से प्रेम करने वाले सत्य हैं, क्योंकि सत्य ही सत्य से प्रेम कर सकता है। साँचारी साहेब, साँच सो पाइए, साँच को साँच है प्यारा। हमारे जिस कार्य से अखंड की संपदा मिलती हो वह सत्संग है। भैरव सेठ से पहले ही उन्होंने झटकी सुन रखी थी, तेज बाई बुढ़िया के भी कठोर शब्द उनको सुनने पड़े। अब वो जाकर के अपनी पत्नियों से लड़ने लगे कि सोचा कि न तेज बाई बुढ़िया मान रही है न भैरव सेठ मान रहे हैं, तो हमें अपनी पत्नियों से तो लड़ने का अधिकार है। दज्जाल क्या होता है? दज्जाल कोई व्यक्ति नहीं है, अज्ञानता का अधिकार। कहीं पत्नी दज्जाल बन जाती है, कहीं पति दज्जाल बन जाता है, कहीं परिवार के अन्य लोग दज्जाल बन जाते हैं। हमारे और धनी की राह में जो बाधक बनता है वही माया का रूप है। पौराणिक मान्यता में हम उसको कलयुग कह सकते हैं, दार्शनिक मान्यता में अज्ञान कह सकते हैं और कतीब की मान्यता में दज्जाल कहते हैं। मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो दाएं बाएं देखते हैं। उनसे पूछा जाए दाएं बाएं क्यों देखते हो, कहते कि दज्जाल की तरफ हम देखते हैं, कहीं आ तो नहीं गया। दज्जाल आता नहीं है, दज्जाल तो मन में बैठा होता है। दज्जाल करत कछु ऐसा मन को करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे सब कर। हमारे मन में ही तो अज्ञानता का अंधकार है। यदि इस मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, विवेक की दृष्टि आ जाए, वैराग्य आ जाए, समर्पण आ जाए, तो यही मन हमें प्रीतम परब्रह्म से मिला देता है। मन ही देवे सत्साहिवी, मन ही करावी फजीत। मन में सच्चाई आ जाए, मन सच्चा तो कटौती में गंगा, नहीं तो दिन रात गंगा में जो नहाते रहते हैं, गंगा के किनारे रहने वाले पंडे क्या परम धाम थोड़े देख लेते हैं। आप किसी भी मंदिर में रहिए, किसी भी नदी के किनारे रहिए, यदि आपका मन पवित्र नहीं है तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप मन को निर्मल बनाइए। मन की खटपट जब मिटे चटपट दर्शन हो। आप आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, मन में खटपट है तो राजी कहाँ से आएंगे? राजी कहीं से न कहीं सबसे निकट होते हुए भी सबसे दूर है। और पवित्र बनाने का क्या साधन है? जो चित्त में जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, वे संस्कार आपके मन को प्रेरित करते हैं कि आप संसार के विषयों में भटकिए। अच्छे संस्कार अच्छाई की तरफ ले जाएंगे, बुरे संस्कार आपको बुराई की तरफ ले चलेंगे। जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे बुरे संस्कार समाप्त होते जाएंगे। योग दर्शन में क्या परिभाषा दी गई है योग की? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? चित्त की वृत्तियां संसार में भटकी हुई है, अब आप चित्त की वृत्तियों को राज्य में लगा दीजिए तो परिणाम क्या होगा? राज्य के प्रेम की अग्नि से पूर्व जन्म के संस्कारों की संस्कार
जलने शुरू हो जाएंगे. जब सारे संस्कार दग्ध हो जाएंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा और आपका चेतन निर्मल होकर परम तत्व का साक्षात्कार कर लेगा. यह दार्शनिक सिद्धांत है अपने को निर्मल करने का. यदि आप केवल पूजा पाठ को ही सब कुछ मानते हैं, स्नानम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, मिष्टानम समर्पयामि करते रहते हैं, केवल घंटी घड़ियाली बजाएंगे, दो मिनट भी पाँच मिनट भी आंखें बंद कर अपने प्राणेश्वर को नहीं पुकारेंगे तो क्या होगा? हृदय कहाँ से निर्मल हो जाएगा? आप देखेंगे भैरव सेठ ने कुछ नहीं किया, न मंत्र का जप का पुरस्करण किया, न कोई तप किया. तीन चीजें उसने ले ली, राज्य पर अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, विषयों का शुद्ध हृदय से परित्याग और दर्शन की तीव्र इच्छा. इन चीजों ने भैरव सेठ को तीसरे दिन दर्शन करा दिया, अंगुलिमाल को दो दिनों में ही भिक्षुक बना दिया और वाल्मीकि को ऐसी अखंड समाधि लगा दी कि उनके शरीर पर दिमकों ने घर बना लिया. बस उनको तो भी पता नहीं चला कि मेरा शरीर मिट्टी से ढक गया है. अन्यथा संसार में जगह जगह जाइए, लाखों योगी हैं, 70 लाख महात्मा इस देश में, 70 लाख में 700 भी क्या, 70 भी व्यक्ति 70 लाख में 70 यदि ब्रह्मज्ञानी हो जाए, आत्मदर्शी हो जाए, तो समझ लीजिए बहुत अच्छी स्थिति है. दौड़ तो सभी रहे हैं लेकिन मार्गदर्शन सही नहीं है, इसलिए कोई लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता. कि सच्चे हृदय से कोई अपनी भूल स्वीकार करने को राजी नहीं है. जिस दिन राज्य को साक्षी रखकर हर कोई सच्चे हृदय से अपनी भूल मान लेगा कि नहीं, मैंने ये गलत किया है और अब मन से भी वाणी से भी किसी भी कीमत पर स्वप्न में भी ये कार्य नहीं करना है, तो निर्मल होने में पल भर की देर नहीं लगेगी. अब वो जाकर उन अपनी पत्नियों को फटकारते हैं कि देखो बहुत दिन हो गए चर्चा सुनते सुनते, तुम भोजन बनाकर सवेरे भी भाग जाती हो, रात को भी चली जाती हो, ये कब तक चलेगा? क्या हम भूख हो रहे हैं? क्योंकि आजकल का समय तो दूसरा होता है. आजकल 10 बजे दुकानें खुलते हैं, लोग देर से आते हैं. पुराने ज़माने में आजकल की तरह आधुनिकता नहीं थी, सवेरे सवेरे ही दुकानें खोलनी होती थी व्यापारियों को. तो निश्चित है कि ताज़ा भोजन तो तब भी नहीं मिलता था. आजकल तो व्यक्ति घर से भोजन करके, ताज़ा भोजन करके अपनी दुकान पर जाता है, अपने कार्यालय में जाता है. उस ज़माने में ऐसा नहीं था. सबकी पत्नियों ने कहा कि देखिए हमने तन मन से आपकी सेवा की है, हमारा विवाह तन से हुआ है, आत्मा से आपका विवाह, हमारा विवाह नहीं हुआ है. हमारी आत्मा प्रियतम परब्रह्म की है और हमने अपनी आत्मा को परब्रह्म के चरणों में सौंप रखा है. यदि आप नहीं जाने दोगे तो क्या होगा? हम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं. यदि तुम्हें शरीर चाहिए ना, तुमने हमसे विवाह किया है, तो दावा करते हो कि हम तुम्हारे पतिदेव हैं, हमारा स्वामित्व है, तो ठीक है शरीर आपको मिलेगा. हम शरीर छोड़ चुक सकती हैं लेकिन चर्चा में अवश्य जाएंगे और हमारे मुर्दे शरीर को आप रखना, जो करना हो करना. कौन चाहेगा कि हमारी पत्नी मिले मरे? जरूर धमकी दी जाती है कि हम घर से निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे. हाँ, इस मुस्लिम समाज में तो असंभव है, 3 बार तलाक तलाक कहा पिंड छूट जाता है. हिंदू समाज में तो धर्म से भी द्रोही माना जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में कभी सोचा भी नहीं गया कि पति पत्नी में अलगाव होगा, इसलिए तलाक जैसी बात पर किसी भी ऋषि मुनि का ध्यान नहीं गया. भारतीय संस्कृति में तलाक होता ही नहीं. कानून के अनुसार तलाक की मान्यता भी है तो पहले तो जेल जाना पड़ेगा पूरे परिवार को, बाद में कुछ और होता है. उस युग में भी जब पत्नियों ने कहा कि हम मरने के लिए तैयार हैं, तो पति महोदय सारे डर गए कि चलो भाई जब तक इनके भाग्य में है कथा सुनना ये सुने, हम रूखी सूखी बासी खाकर गुजारा कर लिया करेंगे. और वही हुआ, दृढ़ संकल्प. ये घटना हमें क्या सिखा रही है? जहां सत्संग होता है, सुंदर साथ कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, हमारा ये काम होता है इसलिए हम नहीं आ पाते.
आपके काम कब खत्म हुए हैं और कब होंगे, क्या किसी ने कभी सोचा है? सृष्टि में आज तक कभी किसी का काम न खत्म हुआ है न कभी हो सकेगा। सबसे बड़ा कार्य क्या है? एक मनीषी का कथन है, 100 काम छोड़कर समय पर भोजन कीजिए, 1000 काम छोड़कर स्नान कीजिए, 1,00,000 काम छोड़कर स्वाध्याय कीजिए, ब्रह्मवाणी का चिंतन कीजिए, और 1,00,00,000 काम छोड़कर परमात्मा का चिंतन कीजिए। लेकिन सुंदर साध्वी किसको प्राथमिकता देते हैं? हमारा संसार का यह काम है, चर्चा छूट जाए, सब छूट जाए, लेकिन यह कार्य नहीं छूटना चाहिए। हो सकता है कुछ काम जरूरी होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ गुजरात वालों के भी तो काम होते हैं। आप देखिए, अभी गुजरात के सुंदर साथ गए, अभी आने वाले हैं। गुजरात में कोई कार्यक्रम हो तो उत्तर भारत का सुंदर साथ नाम मात्र को दिखता है। यदि गुजरात में प्रातः काल मेरा कहीं और काम होता, कार्यक्रम होता है, दोपहर को कहीं और होता है, शाम को कहीं और होता है, तीनों जगह में कम से कम 50 किलोमीटर का अंतर हो, तो जो सवेरे गए होते हैं शाम को भी वहाँ चर्चा सुनने 50 किलोमीटर तक पहुँच जाएंगे, और चर्चा सुनकर रात के 8 बजे 10 बजे ट्रैक्टर से 20-20 किलोमीटर जाते हैं। यदि राजकोट में कार्यक्रम होता है तो दाहोद का सुंदर साथ बस लेकर वहाँ पहुँचेगा। उत्तर भारत में ये प्रवृत्ति नहीं है। जहाँ चर्चा के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए तड़फ है, वहाँ की स्थिति कुछ और होती है। इस साल तो भीड़ कुछ अच्छी भी दिख रही है, कभी कभी तो बीतक में स्थिति कुछ और हो जाती है। गुजरात में ऐसी शिकायत कहीं नहीं मिल सकती है। छोटे से छोटे गांव में भी चले जाइए तो लोगों की भीड़ घेर लेगी। यानी हमें अपनी प्रवृत्ति को बदलना होगा कि हम काम का बहाना लेकर कहीं ना कहीं राज्य के ज्ञान से, राज्य के प्रेम से स्वयं को वंचित कर देते हैं। सबसे बड़ी संपदा हमारी क्या है? हमने 10 करोड़ रुपये भी कमा लिए, शरीर छोड़ने के बाद हमारे साथ तो 1 रुपया भी नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, जो हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम है, वही हमारी अखंड संपदा है। मौत भी हमसे उसको नहीं ले सकती है। हमारे हीरे मोती के महल यहीं रह जाएंगे, लेकिन राज्य के ज्ञान को कोई हमसे छीन नहीं सकता। शरीर छूटने के बाद भी वह ज्ञान, वह प्रेम हमारे साथ बना रहेगा और वही हमें अखंड सुख देगा। ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमें जीवन में ढालनी चाहिए, कि एक तो अटूट निष्ठा प्रेम के साथ राज्य को याद करना कि राज्य हमारे हर कार्य को देख रहे हैं, और दूसरी चितवनी में और चर्चा सुनने में बहाना नहीं बनाना कि हमें ये काम है इसलिए हम उपस्थित नहीं हो सकते। अब सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जाती है। श्री जी सोचते हैं कि यदि हम कुछ समय यहाँ और ज़्यादा रहें तो जागने का प्रकाश ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन एक जगह रहने से तो जागने होना संभव नहीं। सूर्य चलता है, चंद्रमा चलता है, पृथ्वी चलती है, इस सृष्टि का कोई भी कण स्थिर नहीं है। स्थिरता जिस दिन हो जाएगी उस दिन सृष्टि का लय हो जाएगा। इसलिए श्री जी जब सुंदर साथ से कहते हैं कि भाई सुंदर साथ जी, अब मुझे कहीं और जाना है, तो भैरव सेठ जो शराब कबाब में डूबा रहता था, फुट फुट कर रोने लगते हैं कि धाम दिनी, इस मुस्लिम देश में आकर, आवासी बंदर जैसे जैसी जगह में आकर आपने मुझे अक्षरातीत की पहचान कराई है, हमारा हाथ पकड़ा है माया में आकर, आप हमको छोड़कर क्यों चले जाएंगे? सब सुंदर साथ भावुक हो जाते हैं। श्री जी सोचते हैं कि मूल राज जी, आप कुछ ऐसी लीला कीजिए कि मैं यहाँ से निकलूं, ये तो मुझे किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब भैरव सेठ दिन रात चर्चा में संलग्न, चितवनी में संलग्न, चर्चा चितवनी दिन रात चल रही है, कीर्तन गाए जा रहे हैं, सुंदर साथ प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे हैं, इसके सिवा किसी को कुछ नहीं दिखता। आप
पूरी बीतक में कहीं का भी घटनाक्रम देखें, दो चीजें महत्वपूर्ण मिलेगी, चर्चा और चितवनी, उत्सव उसके बाद। हमारे समाज ने चर्चा और चितवनी को छोड़ दिया, उत्सव को ले लिया है कि उस समय भी उत्सव मनाए जाते थे। उत्सव मनाना मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनाना, खाना और खिलाना, ये तो कोई भी कर सकता है। पकवान बनाना, खाना और खिलाना तो बड़ी बात नहीं है। आजकल तो बीतक में भी मुझे सुनने को मिलता है कि यहाँ 56 भोग बनाए गए। 56 भोग जरूर राज्य को लगाइए, लेकिन लगाने से पहले यह सोच लीजिए कि शायद हम 56 व्यक्तियों को तारतम वाणी का प्रकाश देने के लिए 56 किताबें यदि छोटी छोटी बांट देते, 56 सीडियां बांट देते, तो राज्य उससे ज़्यादा खुशी का अनुभव कर देते। हम राज्य को क्या खिला सकते हैं? सारे आनंद के सागर तो वो हैं, प्रेम के सागर तो वह हैं। हम तो इस दुनिया के छोटे अन्न से, मिठाई से, फल से, 56 भोग की जो भावना रखते हैं वो राज्य को रिझाने का तरीका नहीं है। राज्य को रिझाने का तरीका है जो मेरी शुद्ध दो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। हम अज्ञानता में भटकते हुए प्राणियों को परम धाम की राह दिखाएं, उनके उनके स्वरूप की पहचान कराएं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारी आत्मा का अनाथ प्रीतम कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। भैरव सेठ के हृदय की व्याकुलता देखकर श्री जी भी स्तंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ मैं मूल स्वरूप पर छोड़ता हूँ। जागनी का प्रवाह तो चलता ही रहेगा, इसलिए मूल स्वरूप की प्रेरणा से वहाँ का हाकिम बदल जाता है। ऐसा हाकिम आ जाता है जो बहुत ही खूंखार है, वह किसी को, किसी हिंदू को सहन नहीं कर सकता। आप मुस्लिम देशों में जाइए, आपको वहाँ चर्चा प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। भारत में 100 हिंदुओं का मकान होगा, उसमें एक मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन होगा, आप आसानी से वो कार्यक्रम कर सकता है। लेकिन सऊदी अरब में आप जाकर प्रवचन दे देंगे तो बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी आपको। दुबई में छूट है, लेकिन खुलेआम धार्मिक कार्यक्रम करने की वहाँ भी छूट नहीं है। आप अपने घर के अंदर कर सकते हैं, विदेश में तो छोड़िए, आपको हिंदुस्तान में ये देश दृश्य देखने को मिलेगा। आप कश्मीर में भी खुलेआम मंच नहीं लगा सकते, जम्मू में तो लगा सकते हैं, कश्मीर घाटी में नहीं लगा सकते, त्रिपुरा में नहीं लगा सकते, अरुणाचल प्रदेश में खुलेआम कार्यक्रम नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ क्रिश्चियनिटी बढ़ गई वहाँ आप कार्यक्रम नहीं कर सकते। नागालैंड में आपको खुलेआम प्रवचन करने का अधिकार नहीं है, घर के प्रांगण में छिप कर कीजिए, क्योंकि सहिष्णुता नहीं है। आप सोच सकते हैं आवासीय बंदर में कैसे कैसे जागने कार्य हुआ होगी। और ये असहिष्णुता कहाँ से आती है? जब मनुष्य में कट्टरता की प्रवृत्ति पैदा होती है कि केवल मेरी ही मान्यता फैले, दूसरे की मान्यता समाप्त हो जाए। जिस व्यक्ति को धर्म की परिभाषा मालूम हो जाएगी वह ऐसे तुच्छ विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं देता। धर्म तो एक है, धर्म दर्जनों नहीं है, जैसे कि आज देखते हैं इस्लाम धर्म, सनातन हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म रूपी वृक्ष की शाखाएं। धर्म किसको कहते हैं? जो शाश्वत हो। जब सृष्टि नहीं था तब भी धर्म था, जब इस पृथ्वी का ही अस्तित्व नहीं था तब भी धर्म था, क्योंकि धर्म है शाश्वत सत्य, परम सत्य, जिसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। किसी मान्यता के अनुयायियों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, धर्म को नहीं बदला जा सकता। संप्रदाय को बदला जा सकता है, मान्यता में परिवर्तन किया जा सकता है, अपनी अपनी मान्यताओं को थोपने के लिए मनुष्य ने हिंसक हथियारों का प्रयोग किया, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या इस्लामिक अनुयायियों ने तलवार के बल से अपनी मान्यता को फैलाया। भले ही हृदय परिवर्तन न हुआ हो, अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं को थोप दिया, लेकिन यदि ईसा मसीह से पूछा जाता, मोहम्मद साहब से पूछा जाता क्या यह उचित है, तो स्पष्ट कहते कि नहीं, यह धर्म नहीं है, अधर्म है।
धर्म कहता है जो परम सत्य है वही धर्म है। हमने सांप्रदायिक सिद्धांतों को मनुष्य पर थोपा और कहा कि यदि आप ये बात नहीं मानोगे तो हम आपको बहिष्कृत करेंगे। हमारे समाज में भी तो ऐसा होता है, कहीं आप किसी मंदिर में जाएं तो आपसे कहा जाता है कि तारतम सुनाओ नहीं तो आपको ठहरने नहीं दिया जाएगा। आपके गले में कंठी है कि नहीं? कंठी है तो आपको जगह मिलेगी, कंठी नहीं है तो जगह नहीं मिलेगी। पूछा जाए क्या कंठी ही धर्म है? कंठी धर्म पहनना धर्म नहीं है, कंठी एक सांप्रदायिक मान्यता है, एक वेशभूषा है, उसको धारण करना धर्म नहीं है। धर्म के लक्षणों को धारण करना धर्म है। राज्य पर हमारा ईमान है, अटूट विश्वास है, प्रेम है, वो हमारा धर्म है। हम किसी वेशभूषा को धारण करते हैं या नहीं ये शाश्वत धर्म नहीं है, ये सांप्रदायिक मान्यता है। इसलिए जो कट्टरवादी मुस्लिम अधिकारी वहाँ आने को हुआ तो अब सब कहने लगे कि नहीं श्री जी को अब यहाँ से विदा होना चाहिए क्योंकि भैरव सेठ के सामने समस्या है कि यदि वो मुस्लिम अधिकारी किसी भी हिंदू महात्मा को धार्मिक चर्चा तो करने नहीं देता, यदि उसने अपमान कर दिया तो हमारे लिए मरने से भी बदतर स्थिति हो सकती है। भैरव सेठ का यही विचार है कि हमारे जीते यदि श्री जी का किसी ने अपमान कर दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे और उस मुस्लिम देश में किसी हिंदू की कोई सुनवाई होना संभव नहीं थी। ऐसी स्थिति में सबने तो प्रयास किया कि किसी तरह से ये मामला टल जाए, लेकिन जो मूल स्वरूप के आदेश से हो उसको कैसे टाला जा सकता है। अंत में यह निश्चित हुआ कि अब श्री जी को विदाई कर दिया जाए। सबने यथासंभव जितनी सामर्थ्य थी सबने भेंट मिलाकर द्रव्य वस्त्र धन संपदा श्री जी के चरणों में सौंपी क्योंकि श्री जी के साथ काफ़ी सुंदर साथ थे। जागने कार्य में धन की आवश्यकता पड़ेगी, सबने अपनी अपनी भेंट श्री जी के चरणों में रखी और श्री जी को भीगी आंखों से विदा किया कि कितने सौभाग्य से धाम धनी के चरण कमल पड़े। आप सोचिए उस युग में पैदल चलना होता था, नावों से चलना होता था, आजकल की तरह तो नहीं कि 5 घंटे में चाहें तो कहाँ से फ्लाइट से आराम से सऊदी अरब पहुँच जाएंगे। कितने दिन की 17 दिन जहाज में बैठे बैठे तब श्री जी वहाँ पहुँचे होंगे। जो 17 दिन की यात्रा थी आज 5 कुछ घंटों में पूरी हो जाती। अब श्री जी वहाँ से मस्कत बंदर से चलते हैं, कोक बंदर आते हैं, पुनः लाठी बंदर आते हैं और लाठी बंदर से आकर पुनः ठट्ठा नगर आते हैं। ठट्ठा नगर में जिंदादास माली और ठाकुरी बाई मिलते हैं, श्री जी को प्रेम पूर्वक अपने घर ले जाते हैं। गरीब हैं लेकिन दिल के गरीब नहीं हैं, दिल के अमीर हैं। सेवा कब होती है? जब दिल में भाव होता है। धन से सेवा नहीं होती है, लोगों के धन तो बहुत होते हैं लेकिन यदि दिल में गरीबी है तो उस धन की निरर्थकता ही होती है। सबरी के पास क्या था? राम तो अच्छे अच्छे भोजन बहुत खाए होंगे अयोध्या में रहकर, सबरी के उन बेरों ने आज उसकी इतनी महत्ता कर दी है। 16 लाख साल बीत गए हैं लेकिन सबरी के बेरों को हर कोई याद करता है। क्यों? क्योंकि सबरी में वो भावना थी कि मेरे राम आएंगे और मैं उनको खिलाऊंगा। एक बुढ़िया है, सांसारिक दृष्टि से दलित है लेकिन उसको विश्वास है कि राम मेरे कुल को नहीं देखेंगे, मेरे काले कलौटे शरीर को नहीं देखेंगे, मेरे बुढ़ापे को नहीं देखेंगे। आने से पहले वो बेरे इकट्ठे करती थी। परिणाम यह हुआ कि राम ने उनके बेरों को प्रेम पूर्वक खाया। जिंदादास और ठाकुरी बाई घर ले जाते हैं, जिंदादास के और ठाकुरी बाई के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि उनके घर कौन पधारे हैं? स्वयं धाम धनी। बाजार से अच्छे अच्छे सब कुछ लाते हैं, भोजन बनाते हैं, सब सुंदर साथ वहाँ आकर के भोजन करते हैं। यह भावना होती है। यदि आपके घर कोई सुंदर साथ आए
तो आपको सौभाग्य समझना चाहिए कि धन धन हमारे सौभाग्य है कि हमारे घर कोई चल करके सुंदर सा आता है। यदि आप बोझ समझते हैं तो समझिए सृष्टि में आपसे बदनसीब प्राणी कोई भी नहीं है। धाम मेलो सदीवे दुर्लभ मेलो संसार। इस संसार में सुंदर साथ का मिलना दुर्लभ है, परम धाम में तो सभी इकट्ठे हैं। अब सब सुंदर साथ भी जब सृजी हैं सुंदर साथ इकट्ठे होते हैं और सब प्रेम पूर्वक भोजन करते हैं, कार्यक्रम चलता रहता है। इसके साथ ही सृजी कुछ समय मटहरी जाते हैं। मटहरी के साथ मटोत एक गांव है, दोनों गांव में जाते हैं। काफ़ी चर्चा होती है, सुंदर साथ की जागनी होती है और जागनी का प्रकाश फैलता जाता है। श्री जी विक्रम संवत 1728 में बैसाख महीने में पुनः ठट्ठा नगर लौट आए होते हैं। वहाँ कुछ समय रहते हैं और वहीं रहकर बिहारी जी को पत्र लिखते हैं कि बिहारी जी महाराज, दीप बंदर में इतने सुंदर साथ की जागरी हुई, तेज कुंवरी जी को छुड़ाने के लिए मैं अरब देशों में गया, कैसे कैसे मस्कत मंदिर में महावजी भाई की आत्मा जागृत हुई, आवासी मंदिर में भैरव सेठ की आत्मा जागृत हुई, ठट्ठे नगर में चिंतामणि और लालदास जी की आत्मा जागृत हुई, सारा विवरण श्री जी लिख कर भेजते हैं नौतनपुरी बिहारी जी के पास कि मेरी इच्छा है कि आप आइए, कच्छ में आइए, मैं नलिये में आपसे मिलना चाहता हूँ। अपनी जागने का संपूर्ण वृतांत उनको बताया। ये बताना क्यों आवश्यक है, क्योंकि श्री जी ने इस नीति का पालन किया कि जब गादी पर बिहारी जी महाराज को बैठाया गया है, एक व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रमुख बनाया गया है, तो उसके नेतृत्व को गरिमा देनी चाहिए। अपना जो भी कार्य है उनको बताना चाहिए। किसी भी समाज में जब हर व्यक्ति नेता बन जाता है, अपनी मनमानी करने लगता है, जिसके मन में जो आए तो वह टूट जाता है। परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, सब में यदि एक नेतृत्व को कोई माने, सब अपनी राय व्यक्त करें और जो उसमें सही हो उसको माने, व्यक्तिवाद को नहीं। छोटा बच्चा भी कोई सही राय देता है तो उसको सुनना चाहिए और उसको व्यवहार में लाना चाहिए। ये नित्य सुंदर साथ को सिखाने के लिए श्री जी ने हमें सिखापन दिया। मालूम है कि बिहारी जी तो वो पत्थर हैं जिसने कभी पिघलना ही नहीं सीखा, फिर भी कहीं भी जाएंगे बिहारी जी महाराज को सम्मान देते हुए, गुरुपुत्र के नाते अपने हृदय से सम्मान कर रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं, लेकिन बिहारी जी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अब श्री जी अपने जागने लीला में नलिया पहुंचते हैं। नलिये में धाराभाई आकर के उनसे मिलते हैं। धाराभाई की कहानी बहुत रोमांचक है, वो आज के वातावरण पर प्रकाश डालती है कि चर्चा सुनाने का दंड कितना भयानक होता है। एक विचारधारा कहती है कि समाज को ज्ञान के प्रकाश में न लाने दो, उसको अंधेरे में डुबाए रखो, क्योंकि अंधेरे में व्यक्ति रहेगा तो अपने मस्तिष्क से कार्य नहीं लेगा। जब अंग्रेजों को इस देश पर शासन करना था तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया, यहाँ के संस्कारों को नष्ट किया, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकाले ने पैदा की कि ये रूप रंग से तो हिंदुस्तानी रहें लेकिन मन से अंग्रेज बन जाए। आज भी वही है, आज की शिक्षा संस्थाएं भी अंग्रेज पैदा कर रही हैं, भारतीय पैदा नहीं कर रही है। हम शरीर से भारतीय हैं, मन से आज भी अंग्रेज हैं। हमारी विचारधारा में वही है, हमें अपनी वेशभूषा से घृणा है। आप बताइए, सऊदी अरब में का राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो, अपने देश की वेशभूषा नहीं छोड़ेगा, अभी भी सिर पर वैसे ही पगड़ी बांधे रहेगा। वो परंपरा इसलिए की गई थी धूप से बचने के लिए, ऐसे कमरे में रह रहा है लेकिन फिर भी अपनी वेशभूषा को नहीं छोड़ेगा। एक रिक्शा चलाने वाला हो, एक सब्जी बेचने वाला हो, यदि उसके विवाह में उसको धोती पहना दी जाए तो कहेगा कि मैं ये पहनने के लिए हूँ,
वो पैंट शर्ट पहनकर अपना गौरव महसूस करता है। 80 साल का भी वृद्ध हो जाएगा, 90 साल का भी वृद्ध एक हिंदुस्तानी हो जाए, चाहे पंजाब का रहने वाला हो, चाहे फैशनेबल किसी आधुनिक शहर का हो, वो सफारी सूट ही में गौरव महसूस करता है। हाँ, मैंने देखा है असम की तरफ मिडिल क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां सब साड़ी ब्लाउज पहन करके जाती हैं। दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, दक्षिण भारत में चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा मिनिस्टर हो, वो धोती पहनने में गौरव का अनुभव करता है। उत्तर भारत में नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय नारियों ने भारतीय वेशभूषा को बहुत कुछ सुरक्षित रखा है। मेरे कहने का अर्थ क्या है कि आज देश 300 साल के हजार सालों की गुलामी में अपनी मूल संस्कृत भाषा वेशभूषा से कहीं ना कहीं हीन भावना रखता है। धार्मिक क्षेत्र में भी यही चल रहा है। धाराभाई की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। धाराभाई ने यही अपराध किया है कि वाणी चर्चा सुनाई है और उसका परिणाम समाज से निष्कासित होना पड़ता है, कोई शरण नहीं देता है। धाराभाई जैसी स्थिति आज भी समाज में चल रही है। यदि आप समाज में वाणी का प्रकाश करेंगे, जो परमधाम की आत्माएं हैं उनको अच्छा लगेगा, लेकिन सबको अच्छा नहीं लगेगा। उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा जो समाज जो यही चाहते हैं कि वाणी का प्रकाश होने ही ना पाए, क्योंकि जिस दिन वाणी का प्रकाश हो जाएगा उस दिन व्यक्ति, उस दिन सुंदर सात व्यक्तिवाद, गादीवाद, स्थानवाद सारी मर्यादाओं को तोड़कर एक अक्षरातीत से मिलन कर लेगा। हमारे और धनी के बीच में क्या बाधा है? यदि ब्रह्मवाणी का प्रकाश है तो हमारी आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत बसते हैं। यह तथ्य में मालूम हो जाए, यदि हम सिंधी की इस चौपाई को अंगीकार कर लें कि हक नजीक सहरक से आड़ो पटन द्वार, खोली आंखें समझ के देखती न देखी भरतार, जिसने इस चौपाई को आत्मसात कर लिया वो कर्मकांडों के जाल में कभी नहीं फंसेगा। स्थानों की महत्ता से परे अक्षरातीत के सिंहासन को अपने हृदय में महसूस करेगा। किसी परमहंस ने किसी स्थान पर लीला की होती है, अच्छी बात है, उस स्थान का संरक्षण होना चाहिए, उस स्थान का विकास होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि ये परमहंस इसी स्थान की दीवालों में बैठे हुए हैं भ्रम है। आत्मा का स्थान प्रीतम अक्षरातीत के चरण कमल है, जो कदी वह आगे चल ली, जिमी बैठी जिमी माए, पांचों मिले पांचों मिने, रू अपनी असल छोड़े आए। आत्मा का ठिकाना कहाँ है? धनी के चरण कमल। धनी के चरण कमल कहाँ है? उसके धाम हृदय में। कोई भी आत्मा तन छोड़कर महामती जी के चरणों में पहुँचती है या अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रियतम को अनुभव करके आनंदित रहती है, वो किसी स्थान विशेष के ईंटों में आसक्ति क्यों रखेगी? हाँ, जो कोई प्रेम से कहीं भी पुकारेगा वो ब्रह्मात्मा उसको दर्शन दे सकती है, उसकी मनोकामना को पूरी कर सकती है। लेकिन जब ये बात हो जाती है कि हम इस स्थान पर कब्जा कर लेंगे तो अमुक परमहंस को भी हम कब्जे में कर लेंगे, जो हम चाहेंगे वही होगा, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। वहाँ की संपदा पर तो कब्जा किया जा सकता है, आर्थिक सब संपत्ति को कब्जे में लिया जा सकता है, आध्यात्मिक संपदा को हथियाने के लिए तो त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विवेक चाहिए, अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी को संसार में फैलाने का दृढ़ संकल्प चाहिए। और धाराभाई यही भूल कर बैठते हैं। श्री जी नलिए पहुँचते हैं, धाराभाई आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी सारी व्यथा बताते हैं कि धाम धनी, मैं समाज से बहिष्कृत हूँ, मुझे किसी ने अपनाया नहीं, मैं खंभालिए रहता था। सूरजी भाई जब मस्कत बंदर से आए तो उन्होंने वाणी चर्चा का प्रभाव, वाणी चर्चा प्रारंभ की, मुझको सब सुंदर साथ आसन पर बैठाने लगे, वाणी चर्चा से मैं भी जागृत हुआ और मैं भी कुछ वाणी चर्चा करने लगा।
मेरे तन से आवेश लीला होने लगी, सुंदर साथ को दर्शन होने लगे राज जी का, तो मुझे आसन पर बैठा कर सब लोग मेरा सम्मान करने लगे। यही मेरे से सबसे बड़ा अपराध हुआ। बिहारी जी महाराज को जब पता चला कि मैं चर्चा करने लगा हूँ, तो उन्होंने सुरजी भाई जिन्होंने चर्चा करवाना प्रारंभ किया था उनको बुलवाया और दंड में यह फरमान सुना दिया कि सुरजी भाई तुम्हें परमधाम चलना है कि नहीं, यदि तुम्हें परमधाम चलना है तो धारा भाई को वहाँ से बहिष्कृत कर दो, क्योंकि धारा भाई छोटी जात का है, यदि वह छोटी जात का व्यक्ति चर्चा सुनाएगा तो ये तो संप्रदाय ही छोटे लोगों का हो जाएगा, यह संप्रदाय बड़े लोगों का होना चाहिए, धनवानों का होना चाहिए, ऊंची जाति के लोगों का होना चाहिए, इसलिए धाराभाई को दंड के रूप में समाज से बहिष्कृत कर दो। ये बुराई आज भी हमारे समाज में है। बड़ा कौन होता है? कुल से जाति से कोई बड़ा नहीं होता। रावण तो जन्म से ब्राह्मण था लेकिन सभी उसको राक्षस कहते हैं। मातंग ऋषि चंडाल थे, जबाल ऋषि गणेरिया थे, ये सभी तप करके ब्राह्मण हो गए। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी किसी की जाति नहीं देखनी चाहिए। बिहारी जी को कोई धर्म का संस्कार तो था नहीं, दूसरी बात उनको यह सहन नहीं था कि कोई वाणी की चर्चा करे। जैसे ही श्री जी के तन से वाणी उतरी थी, रास प्रकाश घटित, उसको भी उन्होंने दबाना चाहा था। अब उनको सहन नहीं हो रहा है कि जहां देखो हर कोई चर्चा करने लगता है। धारा भाई अपनी व्यथा कहते जा रहे हैं, श्री जी उसको सुनते हैं कि भाई कोई बात नहीं, जो ब्रह्मवाणी का प्रकाश करेगा उसको तो लोग मंच पर बैठाएंगे, सम्मान करेंगे। धारा भाई अपनी व्यथा बताते हैं कि धामधनी बात यहीं तक तो नहीं थी। सुरजी भाई को बिहारी जी महाराज का आदेश हुआ कि मुझे सारे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, और उनको ये डराया गया कि यदि तुम बहिष्कृत नहीं करते हो तो तुमको भी मैं परमधाम नहीं ले जाऊंगा, ये डर बैठाया गया है। आप देखिए किसी भी तीर्थ स्थान में जाइए, हरिद्वार, काशी, वृंदावन, पंडे आपके पास आ जाएंगे, क्या कहेंगे? आप इतना दो तो आपको हम वो बैतरणी नदी से पार कर देंगे। पंडे को देने से कोई बैतरणी नदी से कैसे कोई पार करेगा? उनसे पूछा जाए हमको तो पार तुम कराओ या न कराओ, क्या तुम भवसागर से पार हुए हो? वो तो खुद मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, खुद तो डूबे हैं, आपको कैसे पार कराएंगे? ऐसे ही पहले भी हर पंथ में होता रहा है। पंडे लोग तो करते हैं, जो इटली में पोप थे वो भी कहते थे, सबका धन ले लेते थे और कहते थे कि जो मुझे दे देगा वो ईसा मसीह उसके ऊपर कृपा करेंगे, वो उसको परम धाम, वो उसको वहाँ अखंड धाम में जिसको वो स्वर्ग कहते हैं, ये सब कुछ मिल जाएगा। आज भी यही प्रवृत्ति है। वाणी का प्रकाश न होने से सुंदर साथ किस पर आश्रित है? किसी स्थान विशेष पर आश्रित है, किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित है, वह सोचता है कि उनकी कृपा से ही हमें परम धाम मिलेगा। जब तक हमें मूल संबंध का पता नहीं होगा, सन्मंत मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो न जाए, महामती जी ने क्या कहा है, एक पल के चौथाई हिस्से के बराबर भी मुझे मूल संबंध को नहीं छोड़ना है। जिसने मूल संबंध को छोड़ दिया उसने सब कुछ छोड़ दिया। ब्रज में गोपियों ने मूल संबंध को पकड़े रहे, मूल संबंध से ज्यादा महत्वपूर्ण जब परिवार दिखने लगा तब काल माया का पतन हो गया। रास में मूल संबंध को बनाए रखा, जागनी के ब्रह्मांड में जब ब्रह्मवाणी का प्रकाश मिल गया है तो हमें अपनी आत्मा का संबंध राज्य से जोड़ना है, किसी व्यक्ति से नहीं। और सुंदर साथ से यही भूल हो जा रही है कि कहीं ना कहीं किसी बंधन में सुंदर साथ आ जाता है। बिहारी जी महाराज सबको डरा कर रखते हैं कि यदि तुमने मुझको छोड़ दिया तो मैं तुमको परमधाम नहीं ले जाऊंगा। कोई तन परमधाम नहीं ले जाएगा, हाँ ऐसा कोई ब्रह्मनी हो, परमहंस हो, जो आपकी आत्मा को मूल स्वरूप से जोड़े,
आपको परम धाम की चितवनी में लगाए, ब्रह्मवाणी के चिंतन में लगाए, तो उसके द्वारा दर्शाया हुआ मार्ग आपको परम धाम तो ले जाएगा। लेकिन यह कहें कि वो नाराज होकर के आपको परम धाम जाने से रोक देगा, तो यह शक्ति तो राज्य के पास भी नहीं है। कोई काम खुदा से न हो वही ऐसो न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने जो हक से भी ना हो, वो क्या है? राज्य नाराज हो जाएं, पहले तो अक्षरातीत कभी नाराज नहीं होते न खुश होते। वो चाहें कि 12,000 में से किसी को एक को निकाल दें और इस यहाँ से सिफारिश करके 4 को लेते चलें, तो वो भी हेर फेर नहीं कर सकते। एक पत्ते को भी तोड़ नहीं सकते, परम धाम का एक पत्ता भी तोड़ करके योग माया में नहीं फेंका जा सकता, और काल माया की कोई भी चीज़ हीरा मोती परम धाम नहीं ले जाई जा सकती, तो ये शरीर थोड़े जाएगा। मूल संबंध को तो राज्य भी तोड़ने की सामर्थ्य नहीं रह सकते। चंद्रमा अपनी किरणों को कैसे अलग कर सकता है, सागर अपनी लहरों को कैसे अलग करेगा? राज्य भी चाहें तो हमें अलग नहीं कर सकते। हाँ, यदि हमारे हृदय में अहंकार है, हमारे हृदय में विकार है, हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, प्रेम नहीं, तो क्या होगा? हमारी आत्मा माया में भटकती रहेगी। इसलिए पुराण संहिता में एक बात कही गई है कि करोड़ों गायत्री मंत्र का जप करने से, करोड़ों तीर्थों का वास करने से, करोड़ों कर्मकांड का आचरण करने से जो पुण्य नहीं हो सकता, वह पुण्य एक ब्रह्ममुनि की सान्निध्यता में प्राप्त होता है। जिन्होंने परमहंस महाराज से रामचंद्र दास जी के दर्शन किए होंगे, उनकी सेवा की होगी, उनके चरणों में कुछ दिन रहने का अवसर मिला होगा, उनको मालूम होगा। जिन सौभाग्यशाली ब्रह्मनियों ने श्री जी के साथ जागनी लीला का सुख लिया होगा, आप सोचिए 5,000 की संख्या है, सोने के लिए कोई छत नहीं, भिक्षा मांग करके भोजन करना है, जगह जगह औरंगजेब की सेना पीछा कर रही है, फिर भी कोई घर जाने के लिए तैयार नहीं है, और सब घर द्वार छोड़ करके श्री जी के साथ हैं, उसी में आनंद मान रहे हैं, कई कई महीने भिक्षा मांगनी पड़ रही है, लेकिन क्यों? और श्री जी के अंतर्ध्यान की बात सुनता है जो, जो जहाँ सुना वहीं गिरकर शरीर छोड़ दिया। सेठ लक्ष्मण दास जैसे जिनके पास अरबों की दौलत थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तो धन तो चला गया, राज्य के चरणों में आ जाते हैं। कहने का से क्या है, हमारे हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए और उस ज्ञान के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें परम धाम की राह अवश्य मिलेगी। लेकिन सूरजी भाई डर गए कि बिहारी जी महाराज गादीपति हैं, यदि ये कृपा नहीं करेंगे तो हमें परम धाम जाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें वाणी का प्रकाश नहीं हो पाया था, और वाणी का प्रकाश न होने से ये डर आज भी बैठा रहता है कि पता नहीं अमुक महाराज जी नाराज हो जाएंगे तो हमें परम धाम का सुख नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं, आप अपने प्राणेश्वर को रिझाइए, वह आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। हाँ, किसी ब्रह्मुनि का मन से, वाणी से, कर्म से कभी अपमान न कीजिए, ये पाप हो जाएगा। लेकिन जो सच्चा मार्ग दिखा रहा है उसका अपमान न कीजिए, लेकिन शरीर से बंधकर, स्थान से बंधकर आप वाणी के निर्देशों की अवहेलना करेंगे, मूल स्वरूप से प्रेम नहीं रखेंगे, तो किसी की भी कृपा आपको परम धाम के सुख का अनुभव नहीं करा सकती। वाणी में क्या कहा है, इनों को देखे से सबाब जैसे याद किए हुए हक। ब्रह्मणि की महिमा क्या दर्शाई गई है, परम धाम की आत्मा को देखने से ऐसा लगता है कि हमने राज्य की बंदगी कर ली है। कैसी आत्मा, जागृत आत्मा। जिन्होंने परमहंस महाराज से रामचंद्र दास जी का दर्शन कर लिया, उनको क्या लगता होगा कि नहीं, राज्य की बंदगी की तरह का सुख तो इनके दर्शन में मिलता है। लेकिन जो उनके दर्शन पाकर केवल घी पूड़ी खाते रहे, खीर पूड़ी गप्पे मारते रहे, उनको ज़्यादा सुख नहीं मिला। किसी के भी साथ रहेंगे आपको चितवनी करनी पड़ेगी। श्री जी के साथ जो 5,000 की जमात है, प्रतिदिन शाम को भी चितवनी कराई जाती है, सवेरे भी चितवनी कराई जाती है, सवेरे भी चर्चा होती है, रात के 9 से 12 बजे तक चर्चा होती है, 2 बजे तक भी चर्चा होते होते बीत जाते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे 7 घंटे की चर्चा होती है, कई घंटे चितवनी कराई जाती है। तब सुंदर साथ की आत्मा जागृत हुई,
आज सुंदर साथ वाणी से दूर है, चितवनी से दूर है, जागनी का प्रकाश कैसे फैलेगा? इसलिए श्री जी सारी बातें सुनते हैं और सूरजी भाई अपनी व्यथा कहते जा रहे हैं। श्री जी का हृदय बहुत व्यथित होता है। धारा भाई बताते हैं कि धाम धनी, मैं अब आपकी ही शरण में आया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सूरजी भाई ने मुझे, पत्नी को, मेरे बच्चों को, परिवार सहित समाज से निष्कासित कर दिया कि तो इनको चर्चा क्यों सुनाई है। यह मानसिकता आज भी समाज में घेर घर करके बैठी है। वाणी का प्रकाश करने वाले को कहीं ना कहीं सामाजिक दंड भुगतना ही पड़ता है, लेकिन कभी इससे घबराना नहीं चाहिए। सारा संसार भी यदि विरोध में हो जाए तो भी डरना नहीं चाहिए। नीति का कथन है, निंदंत नीति निपुणा यदि वा स्तवंत, लक्ष्मी समावसित गच्छत या यथेष्टम, अद्य एव मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलंति न धीरा। नित्य में निपुण व्यक्ति निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए या चली जाए, यानी हम धनवान रहें या कंगाल करें, आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद, लेकिन न्याय के सत्य के मार्ग से धैर्यशाली पुरुष कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने में सारी दुनिया भी यदि विरोध करती है, आप अकेले भी हैं तो घबराइए नहीं, सर्वशक्तिमान आपके साथ हैं, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? इसलिए कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। ब्रह्मवाणी का प्रकाश लेकर 100 हाथों से बटोरने का, 1000 हाथों से लुटाने का माध्यम रखकर आगे बढ़ते जाइए। राजित्व आपके साथ हैं। अब सब कुछ सुनाते जाते हैं। धारा भाई श्री जी सुन रहे हैं, आगे की चर्चा सुनेंगे आप कल कि श्री जी क्या करते हैं धारा भाई के उस व्यथा को सुनकर, और बिहारी जी महाराज और श्री जी के बीच में क्या क्या घटना घटित होती है। ये नलिये के बीतक है जिसका कुछ अंश मैंने आपको सुनाया कि धारा भाई के साथ जो अन्याय हुआ, किसके नाम पर, केवल गादी के नाम पर, कि बिहारी जी को सहन नहीं है कि मेरे सिवा कोई और भी चर्चा सुनाए, कोई परमधाम की ब्रह्मवाणी का प्रकाश करें, और छोटी जाति का आदमी यदि ऊंची आस्थान पर बैठ करके चर्चा सुनाए, ये तो उनको सहन ही नहीं सकता था। अब चुपाई तो रहे। क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत, देश ठहरे गाम, देश ठहरे गाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।